आप सौ दो के लगते हैं तो <laughs> <laughs> आप कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया उसके अंदर घुस के अगर आप उसको सोशल मीडिया को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं आ. आपका कारोबार माइट बी डाए अभी आप चैट जा, जीबीटी पे जाए और उससे आप कोई सवाल पूछ लें कुछ बात कर लें उससे असाइनमेंट बनवा लें मतलब उसकी इतनी की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते मैं hmm. पॉडकास्ट करता हूँ दैट इज नॉट अ पॉडकास्ट एक्चुअली हम ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना दिल की बातें कर रहे हैं वो पॉडकास्ट नहीं हुआ कॉन्टेंट है बट इन अ पॉडकास्ट स्टाइल यूट्यूब आपको भाई टेस्ट करता है आपका पेशेंस टेस्ट करता है आपका देखता है कि स्टैमिना कितना है भाई इतना, इतना, आप आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं आप पंक्चुअल हैं कि नहीं आप एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं नहीं अस्सलाम वालेकुम मैं इतना ज्यादा पुराना तो नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे दौर मैंने भी देखे दौर से मुराद यह है कि रेडियो का दौर भी मैंने देखा कि मुझे अभी भी याद है कि गांव में जब होते थे तो छोटे छोटे इतने से रेडियो होते थे उसके अंदर सेल डलते थे चैनल्स आते थे उसमें से फेवरेट चैनल्स होते थे सिर्फ सुनना सिर्फ देखें सुनना इतना अच्छा लगता होता था वो एक अलग दौर था उसके बाद आ गया टी वो एक चैनल रात को आना पी और उसके ऊपर रात को आठ बजे का ड्रामा देखना इंतज़ार करना पूरा दिन और सुबह स्कूल जाने से पहले पाँच मिनट का जो वो कार्टून लगता था वो दौर भी देखा फिर ये दौर भी देखा कि अब इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि बंदा बैठता है और बस चैनल्स चेंज करता रहता है करता रहता है और समझ नहीं आती कि अब कौन सा चैनल देखें मैंने पहले ही कहा कि इतना पुराना मैं भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी दौर देखें बहुत सारे अदवार से मैं गुजरा अब आ गया सोशल मीडिया का दौर सोशल मीडिया में भी बड़े दौर देखें सोशल मीडिया में देखा कि फेसबुक मैं शायद ग्यारहवीं जमात में था फर्स्ट ईयर में था तब फेसबुक का दौर आया बड़ा बूस्ट फिर उसके बाद व्हाट्सएप और फिर यूट्यूब ये सब कुछ चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता फिर यूट्यूब ने बड़ा बूस्ट पकड़ा यूट्यूब ने बूस्ट पकड़ा उसके अंदर भी बड़ी कैटेगरीज आई कि अच्छा शॉर्ट मूवीज़ बनानी है गाने फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन आई पैसे कमाने वाला दौर आ गया अब जो रेडियो है फेड आउट हो गया आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कुछ जो शौकीन लोग हैं जिनका लगाव है वो आज भी अपने उसी दौर में ही गुजर रहे हैं हालांकि जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं बुजुर्ग हैं वो आज भी उनके पास रेडियो पड़ा हुआ है रेडियो सुनते हैं क्योंकि अपना अपना मिजाज है टेस्ट है टी फेड आउट हो रहा है आ, मेरे पे कोई पर्चे ना करा देना मैं गुजारा कर लेना ठीक है मेरे साथ कि कोई कैमरा वाले या कोई ऐसे वैसा कुछ कह दे कि हाँ जी किससे पूछ के एक कहा है तुमने के फेड आउट हो रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ अब आ गया यूट्यूब का दौर सोशल मीडिया का दौर ख़त्म करेंगे कहानी सो तो इसमें आ गया वी लॉगिंग आ गई इसके अंदर फूड व्लॉग आ गए इसके अंदर ट्रेवल व्लॉग आ गया इसके अंदर शॉर्ट मूवीज़ आ गई बड़ा कुछ आ गया रील्स आ गई पॉडकास्ट आ गया जो मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट मैंने बड़े लोगों के साथ किया बड़े बड़े टीवी एक्टर फिल्म एक्टर के साथ पॉलिटिशियन मिनिस्टर सब के साथ कर लिया किसी के साथ नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी आज हो रही है क्योंकि क्यों वजह क्या है पूछें आप उनसे ये पॉडकास्ट इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जिसका फेमस है ना वो मेरे सामने है उनका नाम है उमर सलीम कैसे हैं सर थैंक यू सो मच अच्छा मुझे नहीं पता था आप इतने पुराने <laughs> नहीं लगता ना नहीं अब हाँ, नहीं अब अब मुझे एहसास हो गया बहुत पुराने इतने पुराने कि उस जमाने में जो जंगे थे वो भी थप्पड़ों और मुक्कों से लड़ी जाती खुद को फिट रखा हुआ है कर दें थोड़ी सी तारीफ बाई के कि माशाला से लगते नहीं हो कितने का लगता होगा आपको आप सौ दो के लगते हैं <laughs> <laughs> ये अच्छा था <laughs> और कुछ <को साड़े> लाइक <laughs> सर कहाँ से हैं आप Uh, मेरी बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए फ्रॉम फैसला मतलब कि अब भी अगर मैं आपको कह दू ना कि आप मुझे झुकते मारे आप नहीं मारेंगे नहीं मारे नहीं कहूंगा तो आप फिर मारेंगे नहीं होगा ऐसा ही होता है ना लाइक अब किसी को सामने कैमरा कर दे माइक करें बोले कुछ बात करो हाँ। आप नहीं कर सकते बड़ी एक अच्छी आपको बताता हूँ कि आप किसी के साथ जा रहे हैं आपने गाना लगाना है ठीक है तो कहते कौन सा गाना अपना फेवरेट गाना बताओ आपको अपना फेवरेट गाना नहीं याद नहीं याद आता अलर्ट हो जाते हैं ना हाँ आप कहते हैं आप, आपको कौन से गाने पसंद हैं तीन गानों के नाम पसंद बताओ तो सम वो भी नहीं आप बता पाते हालांकि आप लगातार सुन रहे होते हैं राइट सो दिस इज द फैक्ट तो ये जो चीजें होती है ना ये जुगते हैं ये बातें ये सब कुछ ये फिलबदी निकलता है अगर आप किसी को ना करो फिर नहीं होता फिर नहीं होता फैसलाबाद में जब उमर भाई आप स्कूल गोइंग थे उस क्या उस वक्त ये जहन में था कि यार बड़ा हो उस वक्त तो इतना यूट्यूब का ये सोशल मीडिया नहीं, नहीं रुझान नहीं, नहीं, नहीं था लेकिन क्या स्कूल में नौवीं दसवीं में क्या सोचते थे क्या बड़ा होके क्या बनूंगा यार मुझसे ना टीचर ने पूछा था बचपन में कि बड़े होके क्या बनोगे तो मैंने कहा था अबू अबू बना तो अगर वो मैंने जो कुछ भी किया है ना अपनी लाइफ में मैंने अबू बनने के बाद किया है देट इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी गुड उससे पहले तो आई वॉज नॉन एग्जिस्टिंग कहीं भी ना फैमिली में ना मैं लाइक like अपने सोशल सर्कल में कोई इतना पॉपुलर था या कोई ख़ास था ना ही मैं स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सो आफ्टर मैरिज व्हेन आई बिकेम अ फादर सो देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज राइट तो जब मैं मैं सोचता ना उस बारे में मैंने कहा तो मजाक में था जब छोटा था, <coughs> था लेकिन वाकई थिंग्स स्टार्ट टू चेंज वो जो हमारे इस्लाम में है ना कि बरकत आती है बीबी शादी हो जाए तो आपके साथ शादी के बाद ही है, पहले कुछ नहीं किया अच्छा भाभी कहती भी होंगी की देखा ना मेरी वजह से जो कुछ भी है जो भी हो मेरी वजह से मान लेने में क्या है बुरा ऐसे ही है लेना चाहिए भूखा तो नहीं घर में सोना चाहिए मान लेना चाहिए मान लेना चाहिए फिर भी वैसे एक होता है ना कि आ, मैंने ये बड़ा होके बनना है, आ, यार, है पता है क्या मैं बताता हूँ जब छोटे थे ना बचपन में अब तो खैर चेंज होता रहता है ना वक्त के साथ आपका एवोल्यूशन होता है बचपन आप सोचते हैं कि आपने ये बनना है और स्पेशली हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर थोपते थे कि आ, तुमने ये बनना है आ, ये तो अब जाकर बातें शुरू हुई ना बच्चे से पूछते हैं बेटा आपने क्या बनना है क्या बनना पहले पेरेंट्स कहते थे तो बेटा तुमने ये, बनन ये बनना है बनना है तो मैं जिस जमाने में था तो मुझसे नहीं पूछा जाता था कि तुमने क्या बनना है बताया जाता था कि तुमने ये बनना है सो देर आर फ्यू ऑप्शन पायलट इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर वकील भी मेरे दादा वो, वो हाँ वकालत से बड़े इंस्पायर थे वकीलों से बड़े इंस्पायर उनके एक दोस्त थे ना अच्छा तो वो ये रजिस्ट्री वगैरह का ये प्रॉपर्टी का काम रजिस्ट्री का करवाते थे तो वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे तो वो कहते थे तो यार है कम होना चाहिए अच्छा तो वो मुझे कहते पढ़ लिख के वकील बन जा राइट सो चीजें यू नो और उस टाइम तो सोच ही नहीं थी कि YouTube भी को आएगा बड़े होकर और इस तरह का सोशल मीडिया का दौर होगा ज्यादा ज्यादा होता था एक्टिंग टीवी ऐसा ही है इसके अलावा बस दी एंड और मेरे दादा वो जो थे क्योंकि बचपन की अपने बात छड़ी थी तो वो मुझे कहते थे कि उनको ना ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ दे देखने का बड़ा शौक था तो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में वो कोई कैरेक्टर होता है मुनवर ज़रीफ़ के बड़े फ़ैन जी बिल्कुल तो वो कहते थे कि यार इसका कोई डायलॉग बोल कर दिखाओ तो एक ही वी सी आर होता था तीन चार केस्टें थी तो वो एक एक मूवी हमने कोई बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार बार देखी हुई थी राइट? तो डायलॉग सारे याद हो चुके थे तो मैं वो डायलॉग बोलता था दादा, दादा बड़े खुश होते थे, फिर अच्छा। तो दो लोग और बैठे होते थे तो मैं बड़ा खुश होता मैं मैं कुछ इस वजह से सोशल मीडिया का आजकल राइट नाउ अभी करंटली क्या अहमियत क्या है सोशल मीडिया की यार ये तो भाई एक ऐसा सवाल है कि आप किसी ले मैन से भी पूछेंगे ना ऐसे बाहर को दाने पुन रहा है उससे वो कहेगा भाई बहुत फायदा है बहुत है आप कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आपका ताल्लुक मीडिया से है हाँ। क्या आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से है जी आप कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया उसके अंदर घुस गया अगर आप उसको सोशल मीडिया को इंटीग्रेट आ, नहीं कर रहे हैं आ, आपका कारोबार माइट बी डाइंग कब तक जाएगा ये सोशल मीडिया के देखें चीजें मैंने अदवार गिनवाए आपको मैंने कहा है ना कि रेडियो से भी आए हम पे टीवी पे आए रंगीन टीवी पे भी आए अब सोशल अभी तक ये तो भी फेड आउट होगा फेड आउट मुझे लगता है अगर कुछ होगा तो ए करेगा इसको ए जो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना ये, ये क्या है मुझे नहीं पता इसके बारे में ये, ये देखता रहता, रहता हूँ देखता रहता हूँ ये जीपीटी आज... का कुछ आइडिया है आपको नहीं अच्छा एआई एक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है ठीक है अच्छा। तो ये क्या है कि ये जैसे इंसानी दिमाग है तो ये आर्टिफिशियल दिमाग है ठीक है सॉफ्टवेयर का एक समझ दिमाग बना हुआ है राइट तो इसके पास ज्यादा नॉलेज है कि इंसान से हाँ अभी ये इतना स्ट्रॉग नहीं है कि इंसान को ओवरकम कर दे लेकिन हो जाएगा और बहुत जल्दी आ, आने वाले चंद सालों में ये ठीक अभी आप चैट चा, चैट जी बी टी जाएँ और उससे आप कोई सवाल पूछ लें कुछ बात कर लें उससे असाइनमेंट बनवा लें मतलब उसकी इतनी की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अच्छा अब आप अब सोशल मीडिया पे आप कितना मेहनत कर रहे हैं आपने कैमरे लगाए हैं सब कुछ Lighting, किया वीडियो बन रही है सारा कुछ चल रहा है अब एआई की मदद से आपने जैसे कमांड देनी है कि मुझे एक स्टाइल रियल पर्सन ओ रियल बंदे भाई एनिमेटेड रियल बंदे उसके पास रियल बंदे हैं सेटअप है चीजें हैं सो सो नेक्स्ट थिंग बिग थिंग ठीक हो गया जो कि सोशल मीडिया तो खैर रहेगा ही साथ साथ लेकिन ये, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी डायरेक्शन में इंसानियत को लेकर जा सकती है अल्लाह करे अच्छे डायरेक्शन में जाए डायरेक्शन उमर भाई हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है ना माशा से बहुत खूबसूरत और बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ ये किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का कहाँ जा रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं आप हमारे यहाँ पे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे ही होता है कि यार जरा लिंक सेंड तो ये कर <laughs> दुख की बात है जहां पे लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हैं और अभी आपको पता है कि वो मेटा ने है, मार्क सिंगर बर्गर ठीक है उसने ग्लासेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं रे बैन के साथ अच्छा जिसके अंदर कैमरा है ठीक है तो अब आपको जरूरी नहीं कि मोबाइल से आप वीडियो बनाएं आपने जैसे ग्लासेस पहन पहननी है एंड आप चलते जा रहे हैं वीडियो बनती जा रही है आप उसी ग्लासेस की मदद से लाइव भी जा सकते हैं गुड सोशल मीडिया पर ठीक है आपने जस्ट क्लिक सो ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई और हम अभी भी जो है ना उन्हीं में चक्रों में लगे हुए इस लिंक पर क्लिक करें क्लिक करें, करें। हाँ। ये आप हाँ अगर ये आप नीचे कमेंट में फाइव लिखेंगे तो ये पिक्चर चेंज हो जाएगी तो नीचे जाकर सारे फाइव लिख रहे हैं सोशल मीडिया चेंज हुआ था कुछ लेकिन वही ना हमारी <laughs> यहीं तक अप्रोच है अच्छा बाहर मुल्कों में ये यूट्यूब वगैरह थोड़ी सी रिसर्च मैंने किया कि ये लोग ना इनको इतना पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं और हमारा बस हमारा ज़्यादा रुझान पैसे की तरफ है कि मोनोटाइज़ कर लो और पैसे कम बहुत कम कम्युनिटी है जो कि इस तरफ है यूट्यूब uh, के फेसबुक के ऊपर के उसको मोनिटाइज़ करके कमाया जा सके ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन माई ओपिनियन उसको एज अंटरटेनमेंट यूज़ कर रहे हैं देट सेट या इंफॉर्मेशन uh, के लिए न्यूज़ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए तीन हाँ. परपजेज़ हैं जो कि मेरे ख्याल में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करते आपकी लाइफ मेंर्निंग फ्राम इट ठीक राइट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्क्रोलिंग फॉर द यूज रील्स यूजलेस पोस्ट यू कैन यूज़ सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन फेसबुक टू मेक मनी बिल्कुल राइट बट उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए माइंड सेट चाहिए और यू नो ऑल दैट स्टफ आपका जो पॉडकास्ट है ये जो थीम है आपकी बिल्कुल डिफरेंट है अनवर जी जी उनके की मैंने देखी हुई है कुछ वीडियोस के जी, वो कॉन्सेप्ट देखे उस टाइम भी था हम आ, मैं और आप हम कहते हैं कि ये पॉडकास्ट देखें हम ले, देखें उस वक्त भी आप देखें ना वो एक खातून बिजली बन के आती है और वो सारा कैरेक्टर Uh, तो आप किससे इंस्पायर हुए अनवर मकसूद से आइडिया uh, कहां से, uh, से लेकर तो इस्लामिक कर रहे हैं पॉडकास्ट ज्यादातर तो आपका ये फ़नी और बड़ा है क्यों देखिए मार्केट uh, के अंदर ना या तो आप अगर घुसना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पर या तो आप एक्सेप्शनली गुड हैं किसी काम में राइट right? एक फील्ड में तो फिर आप उसमें घुस जाए राइट या फिर आप एक्सट्रीमली यूनिक है आप जैसा काम कोई और नहीं कर रहा ठीक है अगर दो तरीके हैं अगर आपके पास कुछ ऐसी गिद सिंगी है फिर आप जल्दी आगे जा सकते हैं सोशल मीडिया पर ठीक अदरवाइज क्या है कि आप कंपटीशन में फंस जाएंगे जैसा काम बाकी कर रहे हैं आप भी वैसा कर रहे हैं तो आप कहीं पीछे उनके भीड़ में जस्ट लाइक बिजनेस ठीक है अगर आप एक ऑन्ट्रप्रनोर हैं आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि मार्केट को चाहिए नीड है राइट कोई ऐसी आप चीज़ चीजाद कर लेते हैं जो कि मार्केट की जरूरत बन जाती है तो आप बड़ी जल्दी ऊपर जाएंगे आपको वो आ, इन्वेस्टर उठा लेगा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी सारा कुछ आप ऊपर आ जाएंगे और आ, लेकिन अगर आप बाकी जैसे ने किराने की दुकान खोल ली है दो दुकान छठ के मैं भी खोल मिले <laughs> <ले। laughs> <laughs> 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 उसकी नहीं। उसकी तो, तो आपने दुकानदारी खराब कर दी अपनी होता है देखा देखिये हम करते हैं ना एक सवाल लिखा है मैंने कितना कमा लेते <laughs> <laughs> अच्छा ये ना सोशल मीडिया एक क्या बताओ हाँ। मैंने लिखा ही नहीं अच्छा, <laughs> जेन में आया अच्छा इसमें कि सोशल मीडिया में कोई लिमिट नहीं होती ठीक है इसमें आप ऊपर नीचे कमा लेते हैं बल्कि मैं एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रहा था जिसपे बड़े लोगों ने मॉक भी किया उसे पूछा कि कितना कमा लेते हैं तो उसने कहा कि मैं दो आल्टो कमा लेता हूँ दो आल्टो कमा तो आप कितनी यार जरूरी नहीं है कि मतलब मैं अभी फिलहाल जो मेरा स्टार्ट है मैं कहूंगा तो अभी आदि आल्टो <laughs> शोरूम पे है बंद आदि आल्टो आदि आल्टो।, आल्टो आल्टो कितनी की आ रही है आजकल आई डोंट नो पच्चीस बहुत है हमने टाइम वेस्ट किया चले माशाल्लाह से गुड हो गया तो टिकटॉक का फ्यूचर क्या है आने ये का क्या किताब है? क्या करें इसका यार uh, लेकिन पाकिस्तान में नाचते हुए गुजर जाओ ये, अच्छा, अच्छा, अच्छा टिकटॉक पता क्या टिकटॉक एक एवोल्यूशन से गुजरा है और अभी गुजर रहा है गुजर रहा है आपको पता है जब टिकटॉक का जो पुराना नाम शायद आपको याद हो म्यूजिकली हमने पहले शुरू सुन में आया था पहले म्यूजिकली होता था अच्छा म्यूजिकली बाद में कन्वर्ट हुआ टिकटॉक में मैं इतना पुराना इस पर हूँ जब म्यूजिकली आता था उसमें सिर्फ हम आवाज़ के ऊपर डबिंग हो, मतलब होता था उस पर एक्ट करते थे जस्ट वही चलता था म्यूजिकली उस पर लोग सिंगिंग करते थे ठीक है और डुट आके दो लोग आके एक इधर गाना गा रहा है एक उधर गा रहा है तो म्यूजिकली के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया राइट उसके बाद टिकटॉक मर्ज हो गया इन्होंने टिकटॉक ने खरीद लिया उसको और वो एक प्लेटफॉर्म बन गया ठीक है फिर उसके बाद दौर आया क्रिंज कंटेंट का अच्छा। और वो छोटे छोटे जीवोग्राई ट्रेंड्स का हाँ। वो एवोल्यूशन अच्छा अब चूंकि इंट, हमें इंट्रोड्यूस ऐसे करवाया गया थे क्रिंज लोगों का है क्रिंज कॉन्टेंट है क्योंकि उसमें ऊपर वो लोग आए थे ठीक है जिनके अचानक ऊपर व्यूज गए थे ना अचानक मिलियंस में गए अचानक हाँ। वो वो लोग थे थोड़े क्रिंज ठीक है उन्होंने टिकटॉक को फेम तो दे दिया लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा उसको नेगेटिव फेम दे दिया। ठीक है। लोगों को टिकटॉक से नफरत होने लगी हाँ। so, के लोग टिकटॉक से नफरत करते हैं उस टाइम जो लोग फेमस थे वो क्रिंज लोग थे हो गया। लेकिन अगर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ अगर आप अभी टिकटॉक पर जाएं टिकटॉक ने खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया कि आप अपना इंटरेस्ट उसको बताए और आप एक घंटा स्क्रॉल करें उसको टिकटॉक आपको एक घंटे में जज कर लेगी शायद कम टाइम में आ, आपका इंटरेस्ट किसमें है आ, आपने एक वीडियो आपके सामने आई आपने पूरी देखी उस पर कमेंट भी किया लाइक भी किया टिकटॉक को पता लग गया पता ये बंदे को इस तरह की एक वीडियो आई वो सामने सामने आते आते ही ही समझ लिया पिल्ले आ गया। <laughs> <laughs> आपने ऊपर कर दिया <laughs> <laughs> तो उसको पता लग गया इसको ये वीडियो पसंद नहीं है आ, भी भी आप कितना स्टेक कर रहे हैं कैसे समथिंग लाइक दैट राइट सो वो टिकटॉक को आपका पता चल जाता है ठीक है फिर आपको आपके मिजाज के मुताबिक एक बंदा मुझे कह रहा है यार ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰੇ ਨੇ ਮੁਜਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਜਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ <laughs> right? तो कसूर है, है।, so, आपने को बताना है कि क्या, आपको क्या नहीं आ चुकी है अच्छा ओह oh, अभी, अभी पाकिस्तान में किसी को बहुत कम लोगों को पता आ, है। सवाल भी मेरा एक ये है सॉरी हमारे पास पाकिस्तान में ये ये सोशल मीडिया के फीचर्स वगैरह ये सारी चीजें लेट क्यों नहीं है अभी लेट इसलिए आती कि एक तो हमारी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है के थोड़ा आगे बढ़ के उनको बोलो यार हमें भी कुछ दो ना हाँ। जैसे पेपाल ही नहीं है अभी मैं फ्रीलांसिंग हाँ। का काम भी करता हूँ पे पाल इतनी जरूरत है वो भी नहीं है हाँ। और भी चीजें नहीं है टिकटॉक शॉप की मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप ऐसे ही है जैसे फ्री लांसिंग सॉरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हाँ। टिकटॉक के अंदर ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फिक्स कर दिया गया ये यूएस में चल रहा है मेरे दोस्त हैं जो कि एक काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उन्होंने यूएस की आईडी बनाई हुई है यूएस में वो अपनी प्रोडक्ट्स टिकटॉक पर बेच रहे हैं वो कैसे बेचते हैं कि फॉर एग्जांपल एक उन्होंने प्लस जैसे ये कप है ये कप उन्होंने बेचना है ठीक है उन्होंने टिक का अकाउंट बनाया उसके ऊपर अपनी आई बनाई और उसके अंदर वो पेज के ऊपर टिक ये कप लगा दिया फिर वो इन्फ्लुंस को पकड़ते हैं उनको पैसे देते हैं तो उनको कहते हैं चीज़ को प्रमोट करो ठीक है वो टिकटर्स अच्छा आप टिकटकर वहाँ के बड़े सियाने हैं हमारे टिकटॉक यहाँ के बड़े हैं <laughs> इतने उनको अकल नहीं है इतने सियाने वो कहते हैं प्रॉफिट का हमें दस पंद्रह परसेंट दस से पंद्रह परसेंट चाहिए हम प्रमोट करते हैं वो फिक्स अमाउंट पे आते ही नहीं हाँ वो कहते हैं हमारे साथ चलो परसेंटेज पे से आने हैं। हाँ तो कहते हैं ठीक है आ जाओ उनको भी फायदा होता है फिर फिर वो देते हैं उनको चीज़ वो उसको प्रमोट करते हैं और कहते हैं यहाँ से जाके टिकटॉक के अंदर से ही खरीद लो अच्छा यानी कि ऐसा नहीं लिंक पे क्लिक करो बाहर जाओ वहाँ से टिकटॉक के अंदर से आपको वो चीज़ इतनी कन्वीनियंट बना दी गई है वहीं से आप बाय करते हैं और वो चीज़ आपके पास इसमें टिकट को भी फायदा इसमें जो है जो

उनको लगता है कि हल्का सा भी इधर उधर हमारा इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा तो मैं इस पर थोड़ा सा एहतियात से या कम ही बात करता हूँ पूछने कोई सवाल है तो मैं... बस आगे अगर मूड बना तो कर लेंगे गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में दे सपोर्ट करते हैं कि या मैंने जो अभी रिसेंट देखी है वो सारे यहाँ <laughs> आ, आ, आ आ पे लोग बहुत बैठे हुए, आ, पावर है राइट अली शाह को आप जानते हो बिल्कुल जानता हो तो वो बता रहे थे एक दिन बैठे हुए कि मैंने जब स्टार्ट में ना टिकटॉक अकाउंट ना मैं खैर यूट्यूब पर था लेकिन टीम ने बोला सर टिकटॉक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पर भी आप हम आपके शॉर्ट्स डालेंगे पहले तो मान नहीं रहे थे खैर वो मान गए बना दो फिर मैंने कौन सा चलाना है आप लोगों ने हाँ पोस्टिंग करनी है तो उन्होंने डाल दी अच्छा अब शाह साहब के जो है ना वो अकाउंट से टिकटॉक्स जा रही हैं राइट वही जो लेक्चर हैं उनके कट करके शॉर्ट बना के जा रहे हैं अच्छा शाह साहब कहते एक दिन बैठा फैमिली के साथ तो एक बंदा आया मेरे पास फ़ैन अलैक्म तो सर आप वही हैं ना टिकट कर अब शाह कहते हैं मेरा ना पारा हाई हो। मैंने उसको बताया तो घर आते ही मैंने कहा वो छोटी सी मिसाल देता हूँ जब क्यू मोबाइल आया था तो क्यू मैंने बड़े हल्के सस्ते से मोबाइल निकाले बिल्कुल राइट और भी जो चाइना के मोबाइल आए थे बड़े सस्ते से मोबाइल निकाले थे उन्होंने तो हमारे आ गई सस्ता चाइनीज हाँ मोबाइल फोन कंपनी है बिल्कुल उसने अच्छे फोन भी निकाल दिए महाराज में ये, फसा ये सस्ती सस्ती चीज फर्स्ट इंप्रेशन हाँ, जो था बिल्कुल तो का जो फर्स्ट इंप्रेशन था बहुत बुरा था हाँ, तो इसलिए जो है ना वो टिकटॉक बजाते मैं यही सोशल मीडिया जो है ना यार देखो करता है नहीं गवर्नमेंट को सोशल मीडिया जहर लगता है ऑनेस्टली अच्छा अच्छा भी अच्छा सिर्फ जो है ना इमरान खान को लगता है

मुफ्त के एडवर्टाइजर्स बैठे हुए हैं आपके जितने फ़ैन हैं वो आपके एडवर्टाइज़र्स हैं आपके वो ठीक है तो खैर उसके बाद बाकी लोग भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पर लेकिन मसला ये कि सोशल मीडिया पर अब आज़ादी राय है कोई भी कुछ बोल सकता है टी वी नहीं बोल सकता राइट जैसे आप भी मेरा बेहतर जानते हैं राइट तो इसलिए सोशल मीडिया गवर्नमेंट के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है हमने सोशल मीडिया से क्या खोया क्या हमने खोया कोई कुछ पाया नहीं। <laughs> जो, जो गाजर के लिए डालते हैं वो खोया है आ, और बाकी जो नान के साथ खाते हैं वो पाया।, पाया है क्या कोई नुकसान वगैरह हुआ है हमें नहीं यार फायदा हुआ है फायदा ही फायदा फायदा है ये आपको लेक... नहीं लगता कि वही बेड से उठ के नाचते हुए उधर तक चली गई ये यार नहीं अब फायदा आपने उठाना है एक गन है ठीक है।, है, तो है, है, एक सिक्योरिटी गार्ड के, के हाथ में है तो वो फायदे हाँ। में है खत्रा है, आपके, तो ठीक एक गन अगर सोशल मीडिया मतलब मीडिया में क्या फर्क आपको नजर आता है पॉजिटिव है या कोई मतलब कि बड़ा फर्क क्या नजर आता है कि क्या है? यार एक जमाना था जब सोशल मीडिया को कितनी अहमियत नहीं दी जाती थी टीवी ही ऊपर होता था और सोशल मीडिया को है ऐसे पहले तो सोशल मीडिया की अहमियत जो मुझे नजर आता है ना हाँ। यही है कि सोशल मीडिया पर आजादी है इलेक्ट्रॉनिक हाँ। uh, मीडिया पर अनफॉर्चुनेटली इतनी आजादी नहीं है ठीक है अब आते हैं आपके ना आपके वाले टॉपिक पे ये आपने चैनल बनाया मैं मुझे पंद्रह साल हो गए हैं मीडिया में अलहमदिल्ला ठीक है निज़ाम चल रहा है लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं बना पा रहा मैं ठीक है उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे देखते हैं मेरा फेसबुक वगैरह ये सब बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बैठा हूँ मैं एक टी चैनल पर मुझे कहते हैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो यार ये सब कुछ तुम अपने लिए क्यों नहीं करते नहीं हो पा रहा है क्या चक्कर है मैं कहता तो हूँ ना करे आ, एक बंदे ने शुरू किया था उसको उठा के ले गए थे अब वो दाढ़ी रख के वापस आया <laughs> <laughs> तुम मेरी तो ऑलरेडी में आई बाल भी जाएंगे आपके <laughs>

जैसे रोड शो में रोड शो की बात कर लेते हैं हाँ। अगर आपके रोड शो इतने एक्सेप्शनल हैं कि बाकी हाँ। रोड शो को पीछे छोड़ दें ठीक हाँ। है फिर तो सही है ठीक है हाँ। अगर आपके भी एवरेज हैं जैसे बाकी हैं फिर तो आप उन भीड़ में कहीं रह जाएंगे हाँ। राइट या फिर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि बाकियों से बड़ा यूनिक और बाकी और कोई नहीं कर रहा ठीक है वो भी आपको ऊपर लेके जा सकता है ठीक है राइट जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ दैट इज नॉट अ पॉडकास्ट एक्चुअली हम ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना दिल की बातें कर रहे हैं वो पॉडकास्ट नहीं वो एक कॉन्टेंट है बट इन अ पॉडकास्ट स्टाइल ठीक है तो हमने स्टार्ट भी ऐसे किया था आ, किसी को दोस्त को मॉक किया था तो हमने साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो एक अच्छा वो बन गया अब इसमें डेढ़ दो घंटे का पॉडकास्ट होता है यूजली हमने इसको दस मिनट में कर दिया ठीक है एक तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता दूसरा ये कि जो हमने पंच लाइन

तो किसी को मॉक कर रहे थे उससे सबसे पहले जो इसको मॉक किया था वो अली सुफियान वासिफ ने किया था पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स पोड़कास्ट, को अच्छा। तो उसके बाद जो है हमने मैंने किया ठीक ठीक है है तो उसका थोड़ा डिफरेंट था ठीक है मेरा था क्रेक्टर बेस इसमें डिफरेंट करेक्टर में लेकर आता था, था राइट ठीक है तो बस ऐसे ही आइडियाज आते थे आप लोगों से मैं फॉर एग्जांपल एक जो सबसे पहला मैंने बनाया था ना वो बहुत वायरल चला गया ना वो मुआ के साथ था मेग आर्टिस्ट राइट right. उसके बाद मैं गया, एक फैन मिल गया अच्छा सर आपका कंटेंट मैंने मैं मैं तो मैं मैं स्क्रिप्ट लिखा इंजीनियर पे वायरल गया तो अच्छा मैं उस टाइम पता मेरा टारगेट क्या होता था मैंने एक से दो मिनट की वीडियो बनानी है बस मैंने इसे ऊपर नहीं यूट्यूब का तो मैंने सोचा नहीं था

हाँ और जब लोगों की डिमांड पड़नी चाहिए और लोगों से ले ले लेते हैं, किस पे होना चाहिए ये बहुत अच्छा है लोग हर बंदा क्रिएटिव है ये रील से याद आया कि हमारे एक दोस्त है उसका भी यूट्यूब चैनल है पहले रील्स बनाता था मेरी भी चढ़ा देता था उसमें तो बड़े व्यूज आते थे मैं भी खुश था मैं क्या चलो फिल्म है हमारी भी है थोड़ी बहुत साथ ही उसने बंद कर दिया कहता है कि हम रील्स के बजाय जो मेन वीडियोस हैं यूट्यूब पे उस पर फोकस करेंगे क्योंकि रील्स की वजह से वीडियोस जो इफेक्ट हो रही हैं ऐसा है कोई मेन वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं अगर रील्स में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एक ही चैनल है हाँ। अच्छा दिस क्वेश्चन ये पहले भी बहुत दफा मुझसे पूछा गया है इस पे भी बात हुई है ये सवाल मेरे माइंड में भी था दो तरह के लोग थे मैंने लोगों से पूछा जब यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए तो एक डिबेट सामने आई कि शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाया जाए यूट्यूब का या मेन चैनल के ऊपर ही डाला जाए ठीक है तो इस पर दो राय आ रही थी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे नहीं अलग चैनल बनाए और कुछ लोग कह रहे थे नहीं इसको मेन चैनल पर ही डाला जाए बट यूट्यूब की अपनी एक अपडेट आ गई अपनी एक मेल आ गई अच्छा उसमें यूट्यूब ने कहा कि बेहतर है कि आप सेम चैनल यूज करें दोनों चीजों के लिए ठीक है जो शॉर्ट्स हैं उनका फायदा यह है कि आपको व्यूज देते हैं प्लस शॉर्ट्स व्यूज प्लस सब्सक्राइबर्स हाँ। देते हैं शॉर्ट्स क्योंकि जब शॉर्ट्स देख रहा है कोई बंदा हाँ तो पसंद आया नीचे फॉलो के बटन फॉलो गुड ठीक है फॉलो ठीक है YouTube जो लॉन्ग होता है उसमें सब्सक्राइब करना पड़ता है ना जाके रेड बटन दबाना पड़ता है ना ऑल सम समाज दबाते हैं दबाते ठीक है अच्छा लेकिन एक और बात भी है कि शॉर्ट्स की ऑडियंस हो रहा है लॉन्ग की और

पूरी बात के लिए मारे जाके ना चैनल पर पूरी, पूरी देखें ठीक है तो इससे ये फ़ायदा होता है कि मैंने मेरे में मैं, कॉमेंट्स आते हैं कि मैंने ये शॉर्ट्स देखा था सो आई ट्राई फाइंड द ट्राई टू फाइंड द लॉन्ग वीडियो एंड आई एम हेयर नाउ राइट सो लोग शॉर्ट्स देखते हैं उसे इंट्रेग होते हैं जाके लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियोस आपको डिस आपको नई ऑडियंस दे रही हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शॉर्ट्स वाले लोग आपके लॉन्ग वीडियो ना देखें लेकिन कुछ परसेंटेज तो जाएगी आपके नंबर्स तो बढ़ रहे व्यूज वगैरह शॉर्ट्स के जो हैं 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 ये भी काउंट होते हैं, होते हैं, लेकिन टाइम वगैरह यानी मिनट का होता है ना उसमें आ, 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 लेकिन शॉर्ट्स में बहुत बहुत कम पे करता है यूट्यूग। अच्छा यूट्यूग करता है के मतलब मायने रखते हैं या आपके आपको कौन ज्यादा देख रहा है yes. आपको yes. कितनी yes. कितनी देर सुन रहा है आपके चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं एक रुपया आ, भी नहीं भी आपको मिलेगा आप पैसे देके लाख सब्सक्राइबर कर ले एक रुपया भी आपको एक डॉलर भी आपको यूट्यूब नहीं देगा नहीं देगा व्यूज है एक लाख व्यूज है हो सकता है लाख व्यूज पे आपको दो डॉलर भी ना मिले अगर लोग आपके चैनल पे जा रहे हैं और दस सेकंड बाद बंद कर रहे हैं बंद करें तो कोई काउंट हो गया वॉच टाइम नहीं निकाउं वॉच टाइम नहीं पहले पैसे सारे व्यूज पहले व्यूज की बेस पे मिलते थे अच्छा अब वॉच टाइम की बेस पे मिलते हैं अगर आपकी आठ मिनट की वीडियो है, है। उस, उस पर दो एड्स चलेंगे ठीक है ठीक है, है।, है। आठ मिनट से कम है एक एड चले किसी ज्यादा एड नहीं चल सकता आठ मिनट से ज्यादा है मतलब एक घंटे का अगर पॉडकास्ट है उसमें आप चार पांच चला लगा, लगा सकते है ना, थोड़े -थोड़े फासले पर, हो जो आपके लोग देख रहे हैं और साथ में आपको पैसे भी हैं ठीक है, है अभी मुझे, में एक, मुझे दो सवाल आ गए ये मसाइल पे आ जाते हैं लोगों को ये तो बड़ा अच्छा है देखें हम तो आपको लेकर आए थे पॉडकास्ट के हवाले से लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को मसाइल हैं कि यार यूट्यूब पे ये जो आजकल एड्स आ रहे होते हैं कि यार मोनेटाइज करवाएं पंद्रह हज़ार रुपये में नेवर रिकमेंडेड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मैं करने लगा था स्ट्रेट फॉर देखिए मुझे दोस्त हैं मैंने उन्होंने मना किया यूट्यूबर है ऑलरेडी पुराने मैंने कहा यार मैं एक नया चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ तो क्या ख्याल अगर मैं उसको मोनीटाइज़ करवा लूँ उसके बाद पैसे डायरेक्ट आना शुरू हो जाएंगे हाँ कहते यार करवाना है तो करवा लो मेरे वालों कोरी ना आए अच्छा अच्छा मैंने मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं मैंने के खरीदा। हजार है। उसके हो थे, हाँ। सर, वो चैनल खरीदा का दो सौ आएंगे उसके बाद उसके ऊपर कुछ मसले मसाइल भी होते हैं अच्छा? आमतौर पे फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटरटेनमेंट निश्चय और उसके ऊपर जो ऑडियंस है अगर ऑर्गेनिक तो भी है इस्लामिक है? को, हाँ, हो सकता है वो इस्लामिक वाले हो ये भी हो सकता है कि वो न्यूज वाले हो ये भी हो सकता है वो गेमिंग वाले हो आ। आ। वो हजार जो बंदा है वहां पर और ये भी हो सकता है बोट हो फिर आप क्या करें कुछ भी अब आपकी वीडियो आप डाल रहे हैं आपके सो व्यूज आ रहे हैं दो सो आ रहे हैं या तीन आ रहे हैं चार आ रहे हैं पांच आ रहे हैं आपको उन सब्सक्राइबर्स का फायदा नहीं है क्योंकि अगर खरीदे गए हैं तो बोट है अगर रियल भी है ना तो हाँ। वो कोई आपको फायदा नहीं देंगे सो so एक मोनिटाइज चैनल खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी है लोग खरीद लेते हैं लेकिन वो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो चले ठीक है फेसबुक पे भी हैं चै चैनल्स और पेजेस और यूट्यूब ज्यादा पैसा किस में अच्छा पाकिस्तानी पैसे के चक्कर में ज्यादा ये काम करते हैं सोशल मीडिया पे या फेम हासिल करने के चक्कर में करोगे तो भाई नहीं कर पाओगे हाँ, अच्छा पहले बता रहा हूँ अगर आप पैसे का सोच के सोशल मीडिया पे आओगे ना यूट्यूब या फेसबुक पर गुड बड़ा अच्छा तो जो आप, आप दो तीन महीने में या मैक्स छः महीने में आप साइड पे हो जाओ आपको गे, आपको गे काम ही है <laughs> सही बात है बता रहा कितने लोग पैसों का सोच के इस काम में आते हैं ना वो नहीं चल पाते जो मैं कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ जो अपने शौक अपने इंटरेस्ट अपनी पर्सनालिटी अपने टेंपरामेंट की वजह से इसमें आते हैं ना वो आज नहीं तो कल इसमें चल जाते भाई क्लिक की मार होती है बस क्लिक करके कर YouTube आपको भाई टेस्ट करता है आपका पेशेंस टेस्ट करता है आपका हाँ। देखता है कि स्टैमिना कितना है भाई खितना आपको, खितना आपको, आप आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं आप पंक्चुअल हैं कि नहीं आप एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे नहीं राइट

चैनल पे चैनल पे <laughs> आप, आप कुछ और YouTube पे नहीं कर रहा नहीं आपने अच्छा-अच्छा हाँ। है ना बारह तेरह सालों से मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ अगर लोग मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर चले मैं YouTube पे आना चाहता हूँ बनाना चाहता हूँ बड़ा शौक है तो मैं निश कौन सी पकड़ू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होनी चाहिए तो जो निश है ना वो होनी चाहिए जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं जस्ट से मैं आपका डी ओ पी है मैं उनसे कहता हूँ यार ये कैमरा ये बताओ कैमरा वो कैमरे के बारे में बताना शुरू करेगा घंटा गुजर जाएगा बिल्कुल मैं उसको लाइट्स का पूछूंगा ये मैं पूछूंगा ये आपने कोस्टिक पैनल्स लगाए हैं ये अपने लाइट यहाँ पे बाउंस क्यों करवाई है ये एलईडी क्यों यूज कर रहे हैं सॉफ्ट लाइट यूज कर रहे हैं

स्टार्स में इंटरेस्ट है में इंटरेस्ट है आ, अब आपको नॉलेज तो सारा नहीं है बट आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हैं कि आप एक गोरे का चैनल पकड़े ठीक है, है। उसका कॉन्टेंट देखें ट्रांसलेट करें ठीक है क्योंकि आपको स्टार्स में इंटरेस्ट भी है आपका नॉलेज भी इजाफा हो रहा है और आप लोगों को भी बता रहे हैं

हम खुद भी नए हैं अभी इसमें सीख रहे हैं राइट ये ऐसा तो नहीं है कि किसी की जायदाद तो नहीं है कि आप इसमें नहीं आ सकते फ्री एंट्री है कोई भी आ सकता है भी और भी। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप मेक uh, श्योर sure करें कि आप uh, का इंटरेस्ट है इसमें आप है इसके लिए पैशनेट हैं, आप किसी के कहने पे नहीं आ रहे या पैसों की वजह से नहीं आ रहे पैसों की वजह से नहीं आना पैसे इसमें हैं बहुत हैं अन्य वहा हैं ऐ में नहीं लोग फॉर्चुनर ऑर्डिया और ये बाहर के टूर इन्होंने कर रहे लेकिन सब दे उसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा है ठीक है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है जिसके लिए पैशनेट है द थिंग यू लव उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो ना तो वो काम काम नहीं लगता आप चौबीस घंटे भी काम करें आप शायद थकेंगे नहीं ठीक है आप चले जो चौबीस मैंने ज्यादा बोल दिया आप चले सोलह घंटे भी काम करें ना क्योंकि आप अपनी मर्जी का काम करें इंटरेस्ट का काम करें तो आप थकेंगे नहीं

लोग लोगों के जहन में ही हर बंदा बिजी है कोई जॉब कर रहा है कोई स्टूडेंट है पार्ट टाइम ये कर सकते हैं ज्यादातर लोग कहते हैं यार ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है फुल टाइम है तो मतलब कि अब मैं नौकरी छोड़ के सिर्फ यूट्यूब कर लूँ या साथ नौकरी के साथ साथ यूट्यूब क्वेश्चन इस में इसमें कहता हूँ ट्रांजिशनल फेज के थ्रू एक ट्रांजिशनल फेज में ट्रेजता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बेरोजगार हैं या आप जॉब कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पर ना अच्छा हाँ। मतलब अगर आप बेरोजगार हैं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट ना कर दें स्पेशली अगर आप घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि यूट्यूब फ़ौरन पे नहीं करता और ये रिस्की बिजनेस है दूसरा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप इससे प्रभावित हो होके कहते हैं ना यूट्यूब शुरू करोगे रॉन्ग आइडिया आपने क्या करना है ट्रांजेक्शन करनी है ठीक है और ट्रांजेक्शन कैसे होती है दैट इज़ वेरी सिंपल पहले तो आप जॉब अपनी चलाते रहें ठीक है? है और साइड में इसको शुरू करें स्लोली आस्ता आस्ता इस पर आप काम करते रहें एंड दिस इज ट्रू कि फुल टाइम जॉब नहीं है अच्छा अब आपने वेट करना है अनटिल आपको यहाँ से कुछ पैसे आने शुरू हो जाए अच्छा। तब तक आपने इसको साइड पे चलाना है ठीक और हो सकता है उसमें छः महीने लगे साल लगे लेकिन थोड़ा 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 जितना आप example, अगर आप तो फॉर अगर एक और बड़ा सवाल से निकल मेरा नहीं सबका सवाल है कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया इसको लेके चलने वाला बंदा कितना हेल्पफुल होता है कितना अहम होता है उसको मतलब कि जो वीडियोज अपलोड करे अलगोरिदम वगैरह सारी चीजों का पता हो उसको

चैनल ग्रूम करेगा या बहुत आगे जाएगा या समथिंग लाइक दैट ठीक है कम कम से पचास में ज्यादा तीस वीडियोस तक तो सोचे भी ना आपको कोई फायदा होने वाला यूट्यूब फूड व्लॉग देखते हैं हम ट्रैवल व्लॉग देखते हैं और ये इस्लामिक वो कौन सा ज्यादा थीम है जो ज्यादा हिट होता है फनी इमोशनल इस्लामिक मैं वही बात बताता हूँ जैसे आ, हमें कहा जाता था ना कि इंजीनियरिंग कर लो इसमें बड़ा स्कोप है

जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है वो काम करें ठीक है आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो राइटिंग उसकी अच्छी है लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा वो बिल्कुल बेकार है तो उसको चाहिए किसी बंदे के साथ टीम अप करें जो कैमरे के सामने अच्छा है उसको आप सो दिस इज़ द वे वी गो राइट लेकिन अगेन मेरा फोकस इसी बात पर है कि अपनी पर्सनैलिटी अपने शौक़ अपने इंटरेस्ट अपने पैशन को मरकज में रखें और उसके हाँ। इर्द गिर्द सारी चीजें यूट्यूब के हवाले से बनाएंगे वो आपको फायदा देगी बजाय इसके कि, कि किसी का मुंह लाल दे के चेड़े मार के अपना कर लेंगे हाँ। तो वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा जाते जाते कोई ऐसा जोरदार किस्म का चाहिए <laughs> जोरदार किस्म का कोई मैसेज दे दें जिसमें सारे ना ये निचोड़ निकाल दें सोशल मीडिया का सारा कोई पॉजिटिव सा साकी जो आप हमेशा मैंने लास्ट बात की है ना इसी बात को मैं रिपीट पेशेंस Uh, अगर आप सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर नाम कमाना चाहते हैं तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं आपको बता देता हूँ मैंने कोई आठ दस नशिज ट्राई की हैं मैंने टेक वीडियोस बनाई हैं मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई हैं मैंने वो वाइन्स बनाई हैं मैंने स्किट वीडियोस बनाई हैं मैंने इसके अलावा वो रोड शोज़ किए हैं राइट सो आई ट्राइड मिनिमम टेन टू ट्वेल्व थिंग्स और उसमें से मेरी एक चीज़ चल गई आपने मेरे चैनल पर लाइक अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यार अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी चीज़ों को अपने पैशन को अपने मरकज को सामने रखते हुए आपने उस दायरे के अंदर हर चीज़ ट्राई करनी है जो आप कर सकते हैं ठीक है उसमें से इनशाला आपकी कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो क्लिक करेगी और जो चीज़ उसमें क्लिक करेगी आपने उसके पीछे पड़ जाना मैंने जब सारी वीडियोस बनाई उसमें जो मेरी एक वीडियो चली थी ना वो मेरी सर पहली वीडियो मिलियंस में चली गई थी हाँ अच्छा मेरा चैनल बिल्कुल न्यू था तो वो थी वो रोड शो ही किया था एक शेख चने वाले का इंटरव्यू किया था मैंने वो अभी भी टू मिलियन पे वो चली गई थी चलते अच्छा वो मैं फिर बाकी जो मेरी अगली वीडियो आ रही थी ना मैं उसी पे बनाता था, था उसी से बेस्ड क्योंकि जो ऑडियंस मुझे आ रही थी जो सब्सक्राइबर्स आ रहे थे हाँ। वो उस तरह के आ रहे, उस तरह की वीडियो देखना चाह रहे थे राइट तो मैंने उस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर दी सो आपने वो पकड़ लेना जैसे हमजा भट्टी ने भी बताया था कि इसने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी हर निश में लेकिन उसकी फूड वाली चल गई तो वो फूड के पीछे पड़ गया तो अब उसका जो है ना वो फूड वाला गेम ऑन हो गया तो इसी तरह से आपने डिफरेंट ट्राई करनी है लेकिन वो निशेज़ आपके इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती होनी चाहिए जो आपके लिए ज्यादा वर्क करे आप उसको पकड़ लें और फिर इसको लेकर आगे के चल आ, बहुत शुक्रिया उमर भाई आ, मेरे ख्याल से मैंने जो आ, ये किए थे क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं आपको पढ़ाई भी थे उसमें से कोई भी नहीं मैंने पढ़े भी नहीं मैंने पहले एक दूसरे एक दो देखे मैंने कोई ना मेरा भी आप वाला हिसाब है मैंने ये आपके हवाले से लिखे थे कि पॉडकास्ट वगैरह लेकिन वही बात है कि जब आप बैठते हैं ना और गुफ्तु शुरू होती है तो उस आपके जहन में और बड़े सवाल आते हैं मैंने यही सोचा कि आपको माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है अल्लाह आपको मजीद कामयाब करें कामयाब आप हैं आ, लेकिन आपके अगर फील्ड के हवाले से मैं आपसे सवाल करता ना तो वो एक बस बात है जिसने पॉडकास्ट करना है वही देखेगा लेकिन मैंने ज़्यादातर जहन में वही सवाल रखे कि जो हर पाकिस्तानी हर लड़के लड़के लड़की का मसला है कि यार यूट्यूब मोनेटाइजेशन पैसे ये वो तो बड़े अच्छे खूबसूरती से आपने जवाब दिए आपका बहुत शुक्रिया क़दर खान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ